हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारा टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइज़र कानूनगो थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर के लिए इन्होंने इलाहाबाद के कॉलेज में प्रवेश लिया। बाद में इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। मिशन स्कूल में फिर ये चित्रकला के अध्यापक हो गए और इनकी भाषा खड़ी बोली रही। और इन्होंने कई निबंध लिखे, जैसे चिंतामणि तथा विचार विथि। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इनकी कई आलोचनाएं भी हुई, जैसे सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। और बच्चों, अंत में इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। तो बच्चों, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या कमी रही आप कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फ्लो चार्ट में किसी भी निबंध को, जीवन परिचय को याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद।